किसी ने मुझे कस के पकड़ लिया था, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। ओहो चुपचाप सो जाओ, अभी तक इनका बचपना गया नहीं। सर आ रहा है, थोड़ा सोच समझ। ये तो शॉर्ट्स में आ रहा है। अरे मामा जी आप लोग कब उठे? हम लोग सोए ही कहां जो उठते। अरे वाह आप लोग तो उठ भी गए। ठीक है तो मैं आपके लिए कॉफी ले आऊं। ठीक है ले आ। ठीक है पर बेटा कॉफी तो पी लेंगे, पहले हमें पानी पिला दो, डर के मारे गला सूख गया है हमारा। अरे ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था कि हम कैसे बचेंगे। कॉफी लीजिए। मामा जी पहले कॉफी पी लेते हैं फिर देखते हैं क्या होगा। संभाल कर पीजिए, मुंह जल जाएगा। ज्यादा देर भी मत करना नहीं तो ठंडी हो जाएगी। अरे बेटा वो सब छोड़ो, पहले साथ में चलो, कुछ जरूरी बातें करते हैं। चलो ठीक है जो बताना है जल्दी बताइए। चलो चलो क्या मुसीबत है ये? हे भगवान क्या होगा, बहुत डर लग रहा है मुझे तो। ये सब क्या है, क्या हुआ है आपको? कुछ चाहिए तो बताइए। रो तो आप लोग ऐसे रहे जैसे कोई बच्चा आइसक्रीम के लिए रोता है। यहाँ हो क्या रहा है बेटा? उन भूतों ने पूरी रात हमें सोने नहीं दिया है। क्या करें, हमारे साथ कबड्डी खेली है। कबड्डी? हाँ पहले धमकाया फिर डराया। जी सीधे बताइए मामा जी, क्या डराया क्या धमकाया? अरे तुम्हारे भूतों के बारे में बात कर रहे हैं, तुमने उसे अच्छी ट्रेनिंग दे के रखी है। बेटा ऐसा लगता है तुमने उन भूतों को बहुत बिरयानी खिलाई हुई है, बड़े मुस्तंडे है सब। वो आसानी से पीछा छोड़ने वाले नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? अरे बेटा मुझे लगता है उनकी मार मार के हत्या की गई होगी, क्योंकि वो भूत कभी बाएं मारता था कभी दाएं मारता था। अरे खून से लथपथ था वो भूत। बहुत ही बेरहम भूत है, किसी पर दया नहीं करता। बेटा बेटा एक काम करो कि उसे ले जा करके किसी दरगाह में तावीज बनवा दो, तभी शांति मिलेगी। वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग हाँ, लेकिन आप लोग एक बार फिर से मुझे ये सारी बात बताइए। फिर से सुनेगा नहीं, कैसे बताऊं इसको, ये तो पूरा पागल है। ठीक है देखते हैं। फ्लैशबैक। हम प्लान बनाएंगे, ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है, रॉकेट लॉन्चर की तरह मार के ध्वस्त कर देंगे उस भूत पर। पड़ने वाली हर एक मार हथौड़े की मार की तरह होनी चाहिए, हथौड़े की मार की तरह। हम उसकी ऐसी पिटाई करेंगे कि उसे उसकी नानी याद आ जाएगी। बैठ कर बातें करते हैं, आओ बैठो। ठीक है बैठो भाइयों। हम तीनों सेना नायकों की तरह आगे बढ़ेंगे और कोई अच्छी सी रणनीति बनाएंगे, ठीक है? चलो तुम शुरू हो जाओ, बोलो क्या बोलना है। तो सुनो, मैंने ये सोचा है कि उस भूत की गर्दन को पकड़कर हम लोग ऐसे उसे हिलाएंगे। बिल्कुल इसी तरह, तभी वो सुधरेगा, तभी सुधरेगा। अब सुनो सुनो मेरा प्लान सुनो। हाँ बोलो। भूत के बालों को पकड़ के झिन झिन झिना के झिन 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 झिना के झिन 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 झिना के झिन झिन झिना। देखो 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 ऐसे मैंने कहा था ना, ऐसे ही तो वो सुधर जाएगा। तुमने क्या सोचा, तुम अपना प्लान बताओ। मैं उस भूत को ना नीचे झुकाकर सही, एकदम सही है, ऐसे ही मारूंगा। मुझे मार कौन रहा था? लगता है यहाँ पर कोई गुप्त शक्तियाँ हैं। देखा हमारे कुल देवता हमें कैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अरे वो कोई देवता नहीं है और ना ही हमें कोई ट्रेनिंग दे रहा है। हमारे प्लान को वो भूत हमारे ऊपर ही आजमा करके चला गया हमें पीट कर, और हम लोग बेवकूफों की तरह यहाँ बैठ करके प्लान किए जा रहे हैं उसे मारने के लिए। मुझे तो पहले से ही शक था कि ये कुल देवता आखिर आए कहाँ से। अरे भाई वो सब छोड़ो, अभी उन भूतों को भगाने के लिए हमारे पास एक बढ़िया प्लान है, कहो तो बताऊं। नहीं भाई नहीं, रहने दो। नहीं भाई रहने दो, बस इसे यहीं पे रोक देते हैं। अभी हम लोग कहाँ पढ़ते, मैं सब भूल गया। अच्छा कुछ याद नहीं आ रहा है। कहाँ है, कहाँ है? अरे भांजे के घर में है। क्या? कौन से भांजे के? अरे क्या हो गया इसे? चलो चलो चलो, अरे यहाँ से गड़बड़ हो रही है, चलो चलो भाग चलो यहाँ से। चलो भाई भगवान का शुक्र है कि उस गोपाल के गटर से बच गए। उसे जो ब्रश दिया है उसका इस्तेमाल वो क्यों नहीं करता? भैया जिसके पास इतनी जहरीली गैस है उसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर छोड़ दिया जाए तो सारे आतंकवादी नाक बंद करके मर जाएंगे। भैया हमें मिली सूचना के अनुसार वो दोनों यहीं पर है,
नहीं छोड़ेंगे, उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। लगता है हाथ आ गया, आज ये नहीं बचेगा। हम दोनों की आंखों में धूल झोंक कर लगता है यहाँ छुप कर बैठा है। आओ चलो देखते हैं। चलो चलो। अरे तू डर क्यों रहा है? मुझे देख, अजीब डरपोक आदमी है तू। भैया मुझे जोर से लगी है। भैया ये वो नहीं है, ये दोनों तो भूत है। बेवकूफ कहीं का। अरे बाप रे, तूने तो सही कहा था। अरे बाप रे, भैया दरवाजा भी बंद कर दिया। सुनो तो दर्शन, क्या हुआ बताओ तो सही, चिल्ला क्यों रही हो? बताओ तो सही क्या हुआ? मेरे आसपास डर लग रहा है। बताओ किस बात से डर लग रहा है? बेकार का ख्याल अपने मन में मत लाओ, बताओ क्या हो रहा है। मैं सच बोल रही हूँ दर्शन, मेरा यकीन करो। क्या सच कह रही हो? कोई भी सामान जहाँ रखती हूँ वो वहाँ से गायब हो जाता है। मेरा हाथ पकड़ते हैं वो, मेरी आँखों के सामने आकर मुझे टॉर्चर करते हैं दर्शन। मुझे बहुत डर लग रहा है दर्शन, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। ओके ओके, कूल कूल, मैं भी तो इसी का इंतजार कर रहा था। तैयार हो जाओ, हम लोग कल चलेंगे। सही कह रहे हो, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। क्या बात है बेटा, बड़े खुश लग रहे हो। और क्या होगा मामा, अब वो यहाँ से जाना चाहती है। हमें छोड़कर? नहीं, सबके साथ। तो हमने जो प्लान बनाया था उसका क्या? रिजेक्ट हो गया। उन भूतों का क्या? उनका समय अच्छा है, इसलिए इसके पहले कि हमारा पूरा समय शुरू हो जाए हम यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है ना? करेक्ट। बेटा ऐसी खुशखबरी लाने के लिए थैंक्स। इस जीत को हम लोग बड़े धूमधाम से मनाएंगे और पूरे शहर में हम गदर मचा देंगे। इस बात के लिए जश्न मना तो बनता ही है। सही 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 बात। क्या बात है, केक काटने की बात हो रही है, किस बात की खुशी है? ऐसी बात नहीं है बेटी, अब हम लोग वापस गाँव जाने वाले है न। वापस जाने वाले हैं? लेकिन क्यों? तुम्ही ने तो कहा था। क्या मैंने कहा? पर मैंने ऐसा कब कहा? कोई सपना देख रहे हो क्या? अगले एक साल तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अब हम यहाँ एक घंटे भी नहीं रुकने वाले। जान से मार दूंगी। अच्छा ये सब छोड़िए, जब मैं आ रही थी तो केक की बात क्यों कर रहे थे आप लोग? भूत का जन्मदिन है ना, इसीलिए बात कर रहे थे। अरे भूत का नहीं बेवकूफ, इसका जन्मदिन है। इसका, हाँ इसका, इसका ही जन्मदिन है। आपका जन्मदिन है? मेरा जन्मदिन है। ठीक है, मैं जाकर खीर बनाती हूँ। ओके, लेकर आओ लेकर आओ। ठीक है, खीर में थोड़ा जहर डाल देगी तो हमारा काम ही खत्म हो जाएगा। अरे भाई मुझे एक छोटा सा शक है। कैसा शक? घर के अंदर भूत है या फिर अभी जो गई है वो भूत है? लेकिन ये अचानक से कहाँ चला गया? भैया अगला प्लान क्या है? अरे प्लान, रात को जमकर पिएंगे, उसके बाद हम भूत को भगाएंगे। आज रात हमसे कोई भी नहीं जीत पाएगा। इतने सारे बल्ब इनको बेच देंगे तो अच्छी कमाई हो जाएगी। अरे वाह, लगता है
तुम पूरे घर की कीमत लगा रहे हो क्या है? जिस चीज की कीमत लगानी चाहिए उसकी कीमत मैं जरूर लगाता हूँ। वो सब तो ठीक है, अब क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि कैसे भी हमें कोई एक सुराग मिल जाए। समझो कि तुम एक जासूस हो और तुम यहाँ पर एक सुराग को ढूंढने आए हो। हाँ। खुद को बहुत बड़ा जासूस समझते हो क्या जो सुराग ढूंढ रहे हो? अरे भूत तुम्हें देख कर कहीं डर न जाए। अरे अगर भूत मेरे सामने आएगा क्या? तो मैं अपनी पूरी ताकत से उस भूत का मुकाबला करूंगा। अगर ऐसी बात है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। भूत को बोलना कि मैं आ गया हूँ और उसे मेरे पास भेज देना मुझसे मिलने के लिए, ठीक है ना? बिल्कुल भेज दूंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम भूत और आत्मा से इतना डरते क्यों हो। सुनो, हर समय तुम ऐसे आगे आगे मत भागा करो वरना भूत पहले तुम्हें खाएगा। मुझे देखकर तो आत्माओं की फट जाती है। आत्माएं जितनी मुझसे डरती है ना उतना ही मुझे पसंद भी करती है। कौन पसंद करता है? मुझे औरत की आत्माएं पसंद है। अब मुझे आत्माओं के बारे में सब समझ में आ गया है। कैसे? वो ऐसे कि चुड़ैल को तुमसे प्यार हो जाए तो वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या है? क्यों, तुम्हें चुड़ैल बहुत पसंद करती है क्यों है? अरे तुम लोग पीछे क्यों जा रहे हो मुझे अकेला छोड़ कर? उससे तू प्यार करता है ना, तू ही आगे जा, हम तो पीछे ही जाएंगे। उधर देख। बाप रे, भगवान बचाओ। बाप रे, मैं भूत हूँ, मैं चुड़ैल हूँ। कभी भूत कभी चुड़ैल, क्या चक्कर है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, नहीं मार मार क्यों रहे हो, मार क्यों रहे हो? मारो, मत मारो, सबको खा जाऊंगा। अरे भूत जी, आप यहाँ खड़े हैं, अभी तक आप सोए नहीं क्या? नींद नहीं आ रही क्या आपको? क्यों रे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बंगले में घुसने की? अरे नहीं नहीं, अरे मत मारिए। अरे बाप रे, बाप रे, भूत गिरा रहा क्या? अरे बाप रे, अरे बाप रे, भूत नहीं, ये भूत नहीं है। मामा, मैं हूँ मामा, आप डर क्यों रहे हैं? अरे तू है? अरे हम भूत समझ के डर गए थे। अच्छा बेटा, एक बात बता, यहाँ का जो भूत है वो तुझे परेशान नहीं करता है क्या बेटा? हाँ बोल, तू हमेशा इतना तरोताजा कैसे दिखाई देता है? क्या कहा? वो मुझे कितना परेशान करता है ये मुझे ही पता है। मुझे एक शक है, कहीं इसका और भूतों का कोई कनेक्शन तो नहीं है? हमें इस घर से निकल जाना चाहिए। ओ, ओ तो ये बात है, जाइए। लेकिन ध्यान रखिए, मैं भी साथ चलूंगा। और हाँ, आपके बारे में सबको बता दूंगा। और साथ में ये भी कहूंगा कि मैं तो पहले ही बताना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि शादी के बाद बताना। बेटा तू क्या कैसी बातें कर रहा? बोलिए मामा जी, बता दूं? नहीं 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 बेटा, ऐसा कुछ मत करना। अरे बेटा, तुम छोटे बच्चों की तरह बातें क्यों कर रहे हो बेटा? आज रात के लिए हमने कितनी तैयारी की थी तुम नहीं जानते बेटा। हम लोगों ने एक से एक तरीका सोचा था, एक से एक स्टंट सोचा था, ताकि हम लोग उसकी खूब जम के पिटाई कर सके बेटा। बहुत अच्छा प्लान था बेटा, तुम बताओ ना। जो कहा है वो कर देते तो कितना अच्छा होता मामा। अच्छा तो होता, लेकिन जब हम प्लान को इम्प्लीमेंट करने वाले थे, उसके पहले वो भूत आकर उसने हमारे ऊपर उस प्लान को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया और सब गड़बड़ हो गई। यहाँ रहना सेफ नहीं है, यहाँ से निकल जाना चाहिए। मेरी बात मानो, भूत हमारी बातें छुपकर सुन रहा होता है। वाह वाह, वो देखो, वहाँ देखो बेटा, वहाँ देखो। मामा जी, वो तो हमारे घर की नौकरानी है। क्या नौकरानी है, देखने से तो भूत की रिश्तेदार लगती है। एक बात सुन लो, इस घर में या हम लोग रहेंगे या फिर ये भूत की रिश्तेदार रहेगी, तुम खुद फैसला कर लो। देख लो, ये बात है ना? हाँ ये बात है। तो आज मैं भी आपके साथ हूँ। देख बेटा, भूतों को घर से निकालने के चक्कर में कहीं तू हमें इस घर से ना निकाल देना बेटा। लोग तो मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तू कहीं हमें इस घर से निकालने की कोशिश ना कर बैठे बेटा। चलो सो जाते हैं, गुड नाइट, आ जाओ। क्या मामा जी, सो भी गए? अरे तो और क्या करूं, रात भर उन भूतों ने हमें सोने नहीं दिया है। तू मेहरबानी करके हमारी रखवाली कर ताकि हम सो सकें। चैन से तो सोने दे बेटा हमें। क्यों भाई,
कम एंड ज्वाइन मी एंड स्लीप। आओ। अरे बाप रे, क्या हुआ? कहाँ भूत है? आग बंद करते ही भूत के आगे सामने आ गई। एक काम करते हैं, तीनों आंखें बंद करके चुपचाप हम लोग सो जाते हैं। ठीक है। सो मामा जी, आपने कहा था भूत आ गए, भूत आ गए। कहाँ है वो भूत, बुलाइए ना। अरे बेटा, उनके पास कोई मोबाइल फोन थोड़ी ना कि मैं फोन करूँ और वापस यहाँ पर आ जाएंगे। उनकी मर्जी होगी, जब उन्हें आना होगा तब आएंगे। 12 बजे तक वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं। मामा आप इस तरह डरिए मत, ये बताइए अब करना क्या है। देखिए, एक काम करते हैं, हम अपने अपने हाथ पकड़ के ऐसे खड़े हो जाते हैं कि किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस एक दूसरे का हाथ छोड़ना मत है। चलो ऊपर चलते हैं। अरे बेटा, इतना तेज तेज क्यों चल रहा है? आराम से चल, है ना? आराम से चल और हाथ मत छोड़ना। चलते रहे, ऊपर जा, ऊपर जा। मैं कहाँ जा रहा हूँ? यही मुझे खींच कर ले जा रहे हैं। डरे जो सुखो और डराए भूत, भूत भूत भूत, मरे हुए को और सताए भूत, भूत भूत भूत। डरे जो सुखो और डराए भूत, भूत भूत भूत, मरे हुए को और सताए भूत, भूत भूत भूत। जिस नाम से लोग डरे, मामा जी कैसे हैं आप? डिस्को डांस कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा है। हाँ कैसे? जी, इतने जोर से मत मारी है, जोर से मारेंगे तो रिलेशनशिप जो है ना खराब हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मारना है, चोट भी ना लगे और मार भी खा जाए, ठीक है ना? मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना? ऐसे मारिए तो मजा आएगा। अरे बाप रे, मर गया। मामा जी लगता है बड़ी अच्छी क्लास चल रही है। देख लिया ना मामा जी, मैंने आप लोगों का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। देखा ना, बहुत साथ दिया तूने। मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। भूत जो इसके साथ करना चाहते हैं, ये वो हमारे साथ करवा रहा है, ये इसका आइडिया है। वो एक बार फिर से ऊपर की तरफ देख रहा है, कुछ गड़बड़ है। सोच रहा हूँ कि उन लोगों को दोबारा यहाँ पर कैसे बुलाऊं। अरे बाप रे। एक काम करो, ये जो बाम है मुझे यहाँ कंधे में लगा दो, बहुत दर्द हो रहा है। आराम से लगा दो, जल्दी से। आहा, आहा।